हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेलकम टू यूट्यूब चैनल म्यूजिकल फिजिक्स वाला। गाइस, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि गॉस लॉ का सॉन्ग लिरिक्स पर अपलोड होगा, जो कि अब अपलोड होने जा रहा है। अपलोड हो गया, इसे आप एक दो बार सुन लो और आपसे टोटल क्वेश्चन भी बनेंगे। और इसमें इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा। वैसे पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया था, आप मेरा आवाज़ सुन ही लिए हो और इस पर मेरा आवाज़ लिरिक्स के साथ मिक्सिंग है। तो अब इस गॉस लॉ का सॉन्ग को आप सुनिए और सॉन्ग कैसा लगता है वो भी आप कमेंट करके बताना। और आप जब एक दो बार सुन लोगे तो कंसेप्ट और फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छा से याद हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, और अब हम स्टार्ट करते हैं सॉन्ग। सॉन्ग है जो आप सुने हैं, और इस घर में क्या रखा है, कूल नहीं चार्ज छुपा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी क्लोज सरफेस में चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स जो होता है, वो गॉस साहब बताए थे, उससे निकलने वाला फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड बाय इप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड बाय इप्सिलॉन नॉट, ये दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इसको बोलते हैं, टोटल फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस। ये इंटीग्रेशन के ऊपर में जो क्लोज, ये जो सर्किल का सिंबल है, गोल गोल सिंबल है, बंद सिंबल है, ये बताता है कि जो आप फ्लक्स निकाल रहे हैं वो फ्लक्स क्लोज सरफेस से निकल रहा है। तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनसाइड, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बाय इप्सिलॉन नॉट। इस बात को मैं लिख सकता हूँ नेट फ्लक्स। और आप देखिए, ये क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस, ये गॉस सतह है, इसे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। और इसके अंदर में गॉसियन सरफेस के अंदर में प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया दे देता हूँ कि आप सॉन्ग सुने हो तो आपको ये बात पता चल जाएगा। और आप इसमें, इस वीडियो में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लिए हैं कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन कैसे बना सकते हो गाइस। तो यहाँ पर क्यूब मेरा गॉस सरफेस है, मतलब गॉसियन सरफेस है, गॉस सतह है, ये 3D ऑब्जेक्ट क्यूब गॉस सरफेस, गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर में चार्ज जो है प्लस क्यू है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स फिर वही बात क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा गाइस। सिमिलरली यहाँ पे सिलेंडर क्लोज सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर में चार्ज प्लस क्यू है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद ये मटका है, मटका तो आप जानते ही हो, मटका जिसको आप ठेठ में कंतरी बोलते हैं, कंतरी घैला जिसको बोलते हैं, अरे सुराही जिसको बोलते हैं, सुराही, कंतरी बोलिए, मटका बोलिए, सुराही बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो मटका, मट्टी वाला बर्तन होता है मटका, उस मटका को यदि आप ढक्कन लगा दीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए, इसको अगर हम बंद कर दें, उस मटका के अंदर, उस मटका के अंदर क्यू चार्ज रख दें, तो उससे भी निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, शेप उसका कैसा भी हो, साइज कैसा भी हो, छोटा मटका हो, बड़ा मटका हो, कुछ भी हो, अगर ये बड़ा मटका हो जाए या छोटा मटका हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसके अंदर में अगर चार्ज क्यू है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, तो अब देखिए यहाँ पे, अब कोई कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है जो कि स्फेरिकल शेप का है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, इस पर हम चार्ज क्यू दिए और चार्ज लाकर बाहर आ गया, चार्ज जो है गाइस सरफेस पे आ गया। यहाँ पे हम चार्ज दिए, अंदर में चार्ज पुटअप किए और अंदर में चार्ज दिए, तो चार्ज उपला कर सरफेस पर आ गया। अब चार्ज सरफेस पर आ गया गाइज, इसके अंदर में चार्ज नहीं है, इसके अंदर में चार्ज नहीं है, इसके सरफेस पर चार्ज है, इसके आउटर सरफेस पर चार्ज आ गया सॉरी। अब इस चार्ज को अगर हम किसी गॉसियन सरफेस से घेर दें, क्लोज सरफेस से घेर दें,
तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। इस पर चार्ज हम क्यू दिए थे, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। मतलब गाइस ये बिंदु आवेश के जैसा बिहेव करेगा, ये बाहर वाला पॉइंट। अब इसके बाद वाला जो वीडियो उस पर भी है सॉन्ग, कि वो है सॉन्ग इस पर धड़कन धड़कन, जो मूवी है धड़कन, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, उस पर है। और तो आप उसको भी आप देखिएगा, आप इसमें कमेंट करिएगा कि वो आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट करिए, आपको पूरा कंसेप्ट म्यूजिक पे मिलेगा, ठीक है गाइस। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो चार्ज है, इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है वो क्यू है, क्यू हम दिए थे वो फैल गया आउटर सरफेस पर फैल गया, और गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए गॉसियन सरफेस, ये क्लोज सरफेस है लेकिन इसको हम गॉसियन सरफेस नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं गाइस, बिकॉज कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस के बाउंड्री पर, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस इसको तो बोलेंगे नहीं, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के बाउंड्री पर प्लस क्यू चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है उसको रखा गया है। तो अगर बाउंड्री पर पॉइंट चार्ज रख दिया जाए तो हम उस क्लोज सरफेस को गॉस सतह या गॉसियन सरफेस नहीं कहेंगे, ठीक है गाइस। लेकिन यहाँ इस पर इसको हम गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं, ये गॉसियन सरफेस है, क्यों, चूँकि पॉइंट चार्ज या तो अंदर में है और कुछ बाहर में है, तो ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है गाइज। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर में चार्ज Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अभी जो मैं आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस को हम, यदि कोई क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहना चाह रहे हैं, अगर कोई क्लोज सरफेस है और वो गॉसियन सरफेस होगा कि नहीं, तो उसमें हमको ये देखना होगा कि उस क्लोज सरफेस के बाउंड्री पर बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज है कि नहीं। अगर पॉइंट चार्ज बाउंड्री पर है, इसका मतलब वो गॉसियन सरफेस नहीं होगा, और अगर पॉइंट चार्ज बाउंड्री पर नहीं है, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी है मतलब विस्तृत चार्ज है, तो उस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं, वो गॉसियन सरफेस होता है, ठीक है गाइज। तो आप यहाँ पर बताइए, आप ही बताइए, खुद बताइए कि ये जो स्फीयर है, ये जो हम गॉसियन सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस खींचे हम, ये जो हम क्लोज सरफेस खींचे हैं, ये बताइए ये क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्यों, चूँकि देखिए इसमें बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज अंदर में है और एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी बाउंड्री पर से पास कर रहा है, तो ये गॉसियन सरफेस होगा। अब इसके अंदर का चार्ज अगर हमको डिटरमाइन करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर अंदर में चार्ज Q1 है, माइनस Q2 है, और ये कोई प्लेट है, कोई प्लेट है, रैंडम कोई प्लेट है, 2D प्लेट है, उस पर चार्ज प्लस 4Q हम रखे हुए हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि इसका आधा पोर्शन अंदर है, जो प्लेट है इसका आधा पोर्शन, मान लीजिए कोई प्लेट है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और आधा प्लेट गॉसियन सरफेस के अंदर है, आधा प्लेट बाहर है, ठीक है। तो आधा प्लेट अंदर, आधा प्लेट बाहर, तो इसका मतलब आधा चार्ज अंदर होगा, आधा चार्ज बाहर होगा, तो हम तो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब इस एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के चलते जो अंदर में चार्ज होगा वो क्यू फोर बाई टू होगा, क्यू फोर बाई टू होगा। और यहाँ देखिए ये रॉड, ये भी एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी है, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी है, और इसका हम बोल रहे हैं कि एल बाई थ्री पोर्शन, इसमें जो रॉड का लंबाई एल है और इसका एल बाई थ्री मतलब एक तिहाई भाग, ये क्लोज सरफेस के अंदर है और इस पर चार्ज स्मॉल क्यू दिया हुआ है, तो अंदर वाला चार्ज हो जाएगा क्यू बाई थ्री, स्मॉल क्यू बाई थ्री, मतलब वन थर्ड पार्ट अंदर में है, इसका मतलब वन थर्ड चार्ज भी अंदर में होगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू फोर बाई टू प्लस स्मॉल क्यू बाई थ्री, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा क्या, टोटल चार्ज मतलब टोटल इनसाइड चार्ज मतलब अंदर वाला टोटल चार्ज बाय इप्सिलॉन नॉट, तो अंदर में चार्ज होगा क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू बाई फोर क्यू फोर बाई टू माइनस क्यू बाई थ्री बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है गाइस। अब देखिए गॉसियन सरफेस के, अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस के बाउंड्री पर पॉइंट चार्ज है, तो उसको तो हम गॉसियन सरफेस कहेंगे नहीं, अगर बाउंड्री पर पॉइंट चार्ज है तो उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे कि नहीं, नहीं बोलेंगे, पॉइंट चार्ज अगर है तो हम उसको गॉसियन सरफेस नहीं बोलेंगे।
अब देखिए, अगर कोई क्यूब है, आपको एक मकान मतलब क्यूब दे दिया गया, घन घन क्यूब दे दिया गया। अच्छा, क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर प्लेट से बनता है, उसका 6 दीवाल का जो एरिया होता है बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई सबका बराबर होता है। तो एक प्लेट, एक क्यूब दे दिया गया, और क्यूब के कॉर्नर पर या क्यूब के दीवाल पर या क्यूब मतलब क्यूब के बाउंड्री पर आपको चार्ज दे दिया गया, कोई बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज दे दिया गया। तो आप बताइए कि क्या ये क्यूब जो बना, ये क्यूब क्या ये गॉसियन सरफेस होगा? नहीं होगा, नहीं होगा गाइस, वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों? चूंकि बाउंड्री पर बिंदु आवेश आ गया, बाउंड्री पर अगर पॉइंट चार्ज होता है तो वैसे वैसे क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस नहीं बोलते हैं। लेकिन गाइज अच्छा सुनिए, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, और इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स बताइए, इस क्यूब से जो निकलने वाला फ्लक्स बताइए। तो अब यहाँ पर बुद्धि लगाते हैं, टेक्निक लगाते हैं। गॉस साहब क्या बोले थे? गॉस साहब बोले थे कि अगर आपको गॉस थ्योरम, गॉस लॉ अच्छा से आसानी से लगाना है, इजिली आपको आसानी से लगाना है, तो आप ऐसा गॉसियन सरफेस बनाइए जो कि सिमेट्रिक हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक। तो हम वही बुद्धि लगाते हैं कि अरे ये क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, अब हम ये कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है तो हम कितना क्यूब, ऐसा ऐसा कितना क्यूब ले लें और इसको अटैच कर दें, इसको मिला दें जिससे कि ये चार्ज बीच में हो जाए, मतलब सेंटर पर हो जाए। तो हमारा दिमाग कह रहा है कि ओ कॉर्नर पर अगर चार्ज है, इस मान लीजिए आपको ये रूम है, इस रूम के कॉर्नर पर चार्ज है, तो उस चार्ज को अगर बीच में लाना चाहते हैं तो ऐसा ऐसा रूम हमको कितना लेना पड़ेगा, 8 रूम, एगो तो है ये है, और हमको 7 और रूम लेना पड़ेगा, मतलब टोटल 8 रूम लेंगे, तब ना आपको उसके कॉर्नर पर जो चार्ज है वो चार्ज बीच में फंस जाएगा और अंदर वाला दीवार सब तोड़ देंगे। जैसे 8 क्यूब लेंगे तो 8 क्यूब में से 8 क्यूब का मतलब उसका दीवार कितना होगा, 48, और 48 दीवाल होगा, उसमें से 24 दीवाल टूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, 24 दीवाल टूट जाएगा। तो 24 दीवाल बीच में टूटेगा तो वो क्यूब जो है वो हॉल में, मतलब पूरा गॉसियन, पूरा क्लोज हॉल, क्लोज सरफेस के बीच में हो जाएगा। तो हम वो 8 क्यूब से जो हॉल बना उससे निकलने वाला फ्लक्स बोल देंगे क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो एगो क्यूब से निकलने वाला, सुनिए अच्छा से, 8 क्यूब से जो हॉल बना उससे निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यूब एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब से मिलकर हॉल बनाएंगे, 8 क्यूब से मिलाकर जो हॉल बनाएंगे तो वो हो जाएगा गॉसियन सरफेस। अच्छा, क्योंकि हॉलो होना चाहिए तो अंदर वाला दीवार को तोड़ तोड़ देंगे, मतलब आप सोचिए 8 अगर घर है, 8 रूम, 4 रूम नीचे में और 4 रूम के ऊपर में दो मंजिला जैसा 4 ऊपर बना दे और एगो रूम के कॉर्नर पर चार्ज है, तो आप पिछला वाला दीवाल तोड़ देंगे तो वो हॉल बन जाएगा, हॉल बन जाएगा। तो हॉल के चलते 8 क्यूब से जो हॉल बना, 8 क्यूब से मिलाकर क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा कितना, निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यूब एप्सिलॉन नॉट। चूंकि गॉस साहब तो बोले हैं कि भाई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो उसको हम एगो क्यूब के कॉर्नर पर था तो 8 क्यूब लेके अटैच कर दिए, मतलब एगो को छोड़कर 7 क्यूब लेंगे, मतलब टोटल 8 क्यूब, तो 8 क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स हो गया क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो एगो क्यूब से कितना निकलेगा, मान लीजिए 8 रुपया में आपको दे रहा है 16 आम, मान लेते हैं 8 रुपया में 16 आम, तो 1 रुपया में कितना आम, 2 आम, मतलब 8 रुपया में अगर दे रहा है 16 आम तो 1 रुपया में कितना आम, 1 रुपया में 2 आम। सिमिलरली अगर मान लीजिए 8 रुपया में दे रहा है, 8 रुपया में 1 आम, 8 रुपया में 1 आम तो 1 रुपया में कितना आम, एगो आम का 8वां भाग, बस वही बात है, एगो आम का 8वां भाग। तो हम ये बोल रहे हैं 8 क्यूब मिलाकर हॉल बना, तो हॉल से निकलने वाला फ्लक्स हो गया क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो एगो क्यूब से पूछा गया है तो एगो क्यूब से कितना हो जाएगा, इसलिए 1 क्यूब, इसलिए 1 क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं, फ्लक्स ये तो पूरे 8 से मिलकर ये निकल रहा है,
तो एगो से क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट और बट्टा आठ, मतलब ये हो जाएगा कितना क्यू बाई एट इप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स निकला एगो क्यूब से, एक क्यूब से फ्लक्स ये निकला। अब देखिए गाइस, मतलब विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस मतलब हम चार्ज कहीं पर भी रखा हुआ हो उस चार्ज के चलते किसी भी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम का अप्लाई करने के लिए बस हमको इतना ध्यान रखना होगा कि ये बुद्धि लगाना है कि हमको क्लोज सरफेस ऐसा बना दे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उसके अबाउट क्लोज सरफेस सिमेट्रिक हो जाए, अब बस काम कर देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर अब आगे देखिए, मतलब जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम ऐसा ही सोचेंगे। ठीक है, अब कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है तो इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यूब बाई ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं गाइस, अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर गॉसियन कोई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कहाँ पर है, चार्ज कहाँ पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली चार्ज घेरा हुआ होना चाहिए, चार्ज बंद होना चाहिए तो उससे निकलने वाला फ्लक्स क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाता है। चार्ज कहीं पर भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, चार्ज का लोकेशन कहीं पर भी हो, अगर वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद है तो उससे निकलने वाला, क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए गाइस, यहाँ पर ये सिलेंडर है और सिलेंडर के बीच में हम सिलेंडर के आर पार करा दिए रॉड, रॉड एक्सटेंजर चार्ज बॉडी है। अब एक्सटेंजर चार्ज बॉडी है तो बताइए क्या ये गॉस सतह होगा, गॉसियन सरफेस होगा? बिल्कुल होगा, चूंकि हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस के बाउंड्री पर एक्सटेंडर चार्ज बॉडी होता है, तो एक्सटेंडर चार्ज बॉडी होता है मतलब इससे क्रॉस करके एक्सटेंडर चार्ज बॉडी पास कर सकता है, एक्सटेंडर चार्ज बॉडी पास कर सकता है। और गॉसियन सरफेस कैसा खींचना चाहिए, कैसा खींचना अच्छा होता है, सिमेट्रिक, मतलब जितना दूर ये रॉड से इधर है ये दूरी जितना दूर है उतना ही दूर ये दूरी भी होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसलिए ये सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हम खींचे। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज दिए, तो नॉन कंडक्टिंग है तो जहाँ पे चार्ज देंगे वहीं पे रह जाएगा, वहीं पे फंस जाएगा, वो चार्ज उपला कर कंडक्टर की तरह बाहर नहीं आएगा। तो ये नॉन कंडक्टर में चार्ज अंदर में फंसा रह गया, जैसे हम बताए थे आपको, एक बार फिर बता दे रहे हैं, अगर कंडक्टर में चार्ज देते हैं अंदर में तो जैसे बाल्टी में आप प्लास्टिक वाला गोली अंदर घुसा के छोड़ देते हैं तो गोली बाहर उपला जाता है, बाल्टी के जो पानी है उसके सरफेस पर आ जाता है क्या, गोली। लेकिन अगर आप कादो, जैसे आप कीचड़ जानते हैं, तो कीचड़ में अगर आप कोई गोली को फंसा दे, प्लास्टिक का गोली को जाके रख दिए, तो रखिएगा तो गोली बाहर आएगा नहीं आएगा, अंदर में फंस जाएगा। उसी तरीके से नॉन कंडक्टर में अगर आप चार्ज देते हैं तो अंदर में फंस जाएगा, तो नॉन कंडक्टर में चार्ज अंदर में भी है, कुछ बाहर में भी है, मतलब जहां आप चार्ज दिए वहीं पे रह गया। लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है, अगर हम इससे निकलने वाला फ्लक्स चाहते हैं और अगर इसको हम क्लोज सरफेस के अंदर घेर दिए तो इस क्लोज सरफेस, अब ये क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस हो गया, तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो अंदर वाला चार्ज क्यों है, तो क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, चलिए अब इसी तरीके से अब यहाँ हम ये देख रहे हैं, एक और देखिए, आपको एक ये मान लीजिए बहुत सारा एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी भी है और पॉइंट चार्ज भी है और एक गॉसियन सरफेस घेर दिए हैं हम, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल क्लोज सरफेस घेर दिए हैं। ठीक है गाइस, और उस स्फेरिकल क्लोज सरफेस का रेडियस कैपिटल आर कर दिए हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर भी कर सकते हैं आप, हम यहाँ कैपिटल आर कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी है, ये स्फेयर है अंदर में, उस पर चार्ज क्यू टू है, ये रॉड है, ये रॉड का लंबाई एल है और आधा रॉड अंदर में है, तो एल बाई टू अंदर में है, तो रॉड पर चार्ज प्लस क्यू है, स्मॉल क्यू, तो रॉड के अंदर में जो चार्ज हो जाएगा, रॉड के अंदर होने की वजह से गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज हो जाएगा, ठीक से सुनिए, गॉसियन सरफेस के अंदर जो इस रॉड के वजह से चार्ज होगा वो क्यू बाई टू होगा, स्मॉल क्यू बाई टू होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया स्मॉल क्यू बाई टू, यहाँ पर दो गो पॉइंट चार्ज है, एगो क्यू वन और एगो यहाँ पर थ्री डी ऑब्जेक्ट है, उस पर टोटल चार्ज क्यू टू है, तो एगो ये चार्ज, एगो ये चार्ज, क्यू वन क्यू टू और ये क्यू स्मॉल क्यू बाई टू, और यहाँ देखिए एगो रॉड है, जो रॉड है जो गॉसियन सरफेस को आर पार पास कर रहा है। ठीक है, कर सकता है, क्यों, चूंकि एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी है, तो एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी गॉसियन सरफेस
पर से पास हो सकता है। अब हम देखें इस रॉड के चलते गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज फंसा हुआ है। तो हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट, रैखिक आवेश घनत्व। आप जानते हैं अगर किसी रॉड पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो उस रॉड का अगर लंबाई हमको पता हो तो हम उस पर जो चार्ज होगा वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। अब देखिए इस रॉड का लंबाई देखिए, आप इस रॉड का आप लंबाई देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस रॉड का लंबाई होगा 2R, चूँकि सेंटर से पास कर रहा है तो स्फेयर के सेंटर से, मतलब गॉसियन सरफेस जो स्फेयर है उसके सेंटर से रॉड पास कर रहा है तो व्यास हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर का लंबाई कितना होता है, रेडियस का दुगुना, तो 2R। तो लंबाई हमको पता चल गया, एल के स्थान पर 2R रख देंगे तो अंदर वाला चार्ज पता चल जाएगा, तो अंदर वाला चार्ज हो जाएगा क्यू बराबर इंटू 2R। तो इस रॉड के चलते जो अंदर में चार्ज है वो हो गया लैम्डा इंटू 2R। तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज हमको पता चल गया, जब अंदर वाला चार्ज पता चल गया तो हम आराम से फ्लक्स निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम इजीली निकाल लेंगे। क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सभी चार्ज को जोड़ देंगे तो देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस स्मॉल क्यू बाई टू प्लस लैम्डा इंटू 2R बाई इप्सिलॉन नॉट, ये टोटल चार्ज बटे इप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, ये नेट फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज बाय इप्सिलॉन नॉट, ये हमको टोटल फ्लक्स निकल गया। सॉन्ग आपको हम सुना ही दिए हैं, और इस घर में क्या रखा है, और इस घर में क्या रखा है, को नहीं चार्ज छुपा रखा है, को नहीं चार्ज छुपा रखा है, ठीक से देखें घर मेरा तो, ठीक से देखें घर मेरा तो, कोल फ्लक्स निकल रखा है। ठीक है गाइस, तो आप इसको वीडियो को देखिए, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, ये आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेक्चर तुरंत मिल जाए और आप अपडेट हो जाएं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।